देखो कॉम्बिनेशन की केस में देखा था कि जो टोटल पावर है वो सिस्टम की ऐड हो जाएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी लेंसेज होंगे, प्रोवाइडेड उनके बीच में गैप निग्लिजिबल होना चाहिए, और जो पावर है वो विद साइन ऐड होगी, ठीक है ना। कटिंग ये दो टाइप की देखी थी, तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट कर रहे हैं तो फोकल लेंथ में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं तो फोकल लेंथ में इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला अभी भी होल्ड करेगा, ये जो लिखा हुआ है। क्लियर है ये पॉइंट भी? और एक पॉइंट और है, उसको भी यहीं पे पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंसेज, या फिर इसको हम सिल्वरिंग ऑफ लेंस भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग सिल्वरिंग ऑफ लेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे कोई भी लेंस है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, इसका अगर हम एक सरफेस पे सिल्वरिंग कर दें, ठीक है, तो अब ऐसे देखो कि अब जो राइट साइड से रेज आएंगी, क्या लगता है ये जो कॉम्बिनेशन है ये मिरर की तरह काम करेगा या लेंस की तरह काम करेगा? कौन कौन से फिनोमेना होंगे इसमें? अगर राइट साइड से इसमें रे आ रही है, इधर से इस तरफ से, तो इसमें फिनोमेना कौन कौन से होंगे? तो इसमें ध्यान से देखो, तो इसमें सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, और उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन होगा। देखा जाए तो तीन बेसिक फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन, देन रिफ्लेक्शन, एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन। तो देखो रे जिस साइड से जा रही है उसी साइड में वापस आ रही है, यानी ये जो बनेगा ये एक मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। और हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक लेंस है, ठीक है, और प्लस एक ये मिरर है, यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये वाला, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर, तो अगर लेंस का फोकल लेंथ FL ले लें और मिरर का फोकल लेंथ FM ले लें, तो हम यहाँ भी बोलते हैं कि यहाँ भी जो इनके पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें लेंस दो बार यूज हो रहा है ना, लेंस में रिफ्रैक्शन दो बार हो रहा है, तो लेंस एक तरह से डबल, टू टाइम्स उसकी पावर ऐड होगी, और मिरर जो है वो सिंगल टाइम ऐड होगा, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन एक ही बार हो रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, अगेन प्रूफ नहीं कर रहा है, प्रूफ करना चाहेंगे तो एक दो लाइन का है, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज वन अपॉन एफ एम माइनस टू अपॉन एफ एल, मतलब मिरर का जो वन अपॉन एफ एल है उसको हमने ट्वाइस किया हुआ है, लेंस का, सॉरी लेंस वाले को ट्वाइस किया हुआ है और मिरर सिंगल टाइम्स है। माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि रे इसी डायरेक्शन में वापस जा रही है जिस डायरेक्शन से आ रही है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो एफ इक्विवेलेंट बनेगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। अब ध्यान रखना, अब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है उस पे डिपेंड करेगा कि ये कॉम्बिनेशन कॉनकेव मिरर बनेगा या कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, ठीक है ना। ये जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने देखे हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट फिलहाल किसी थ्योरी में किसी में डाउट है तो बताओ। इसको सिल्वरिंग भी बोल सकते हैं, सिल्वरिंग का मतलब ये हुआ कि लेंस का पीछे वाला सरफेस सिल्वर कर दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेंस के साथ में हमने कोई और मिरर लगाया हुआ है, दोनों बातें हैं। हाँ सर बोलो। सर ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि कॉम्बिनेशन सर जो कॉम्बिनेशन ओवरऑल एक लेंस होगा या फिर एक मिरर होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें तो डेफिनेटली नंबर ऑफ फिनोमिना उसमें कितने हो रहे हैं? जैसे अगर उसमें दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो लेंस बन जाएगा, ऐसा कुछ होता है? देखो कॉम्बिनेशन तो मिरर ही बनेगा ना, क्योंकि लाइट रे जिस डायरेक्शन से गई है, मान लो लेफ्ट साइड से गई है तो लेफ्ट साइड ही वापस आएगी ना, राइट साइड तो चली नहीं जाएगी। तो अगर लाइट लेफ्ट से जाके लेफ्ट में ही वापस आ रही है तो मिरर बनेगा ना, ये कॉम्बिनेशन तो बनेगा भी नहीं। नहीं, मुझे कंफ्यूजन इस बात में हो रहा है कि दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो भी लेफ्ट से लाइट आ रही है, और फिर जब वो उस पर स्ट्राइक करेगी फिर रिफ्लेक्शन भी होगा, तो एक बार फिर बताइए कि ये मिरर कैसे बना? वही अरे मिरर में क्या होता है, लाइट किधर जाती है किधर वापस आती है,
जहां से गई थी वहीं से आ जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें वही होगा। तो फिर मिरर ही बनाना। लेंस कैसे बना? थैंक यू सर। देखो इसमें करते हैं क्वेश्चन। एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ जिसका। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और सपोज इट इज मेड ऑफ ग्लास। हमने क्या किया, इसको परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट किया है, ठीक है। कट करने के बाद इसके जो दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स पीस हैं इनको हमने लैटरली फ्लिप कर दिया है इस तरह से, और इनके बीच में हमने वाटर फिल कर दिया है, ठीक है। वाटर 4/3। तो हमें इस सिस्टम का नया फोकल लेंथ निकालना है, क्या होगा, ठीक है ना। क्या किया, क्लियर है। एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, उसको हमने परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट किया है। कट करने के बाद जो दो टुकड़े आए उनको लैटरली फ्लिप कर दिया है, जिससे उसके कॉन्वेक्स सरफेसेस फेसिंग हो जाए, और बीच के पोर्शन में हमने वाटर फिल कर दिया है सब समहाउ। तो हमें ये बताना है कि इस सिस्टम का, अब ये सिस्टम किसकी तरह काम करेगा, लेंस की तरह, मिरर की तरह? सर लेंस की तरह काम करेगा। लेंस की तरह बनेगा, तो इस सिस्टम का हमको फोकल लेंथ फाइंड करना है। करो इसको ट्राई करो। देखो सबसे पहले इसमें क्या करो कि इक्वी कॉन्वेक्स है, तो चाहो तो पहले ये आर कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इस आर की जरूरत हमें पड़ेगी। तो फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां से देखो 1/f की जगह 1/30, म्यू माइनस 1 हो जाएगा 1.5 माइनस 1, 1/r1 की जगह प्लस आर और r2 की जगह माइनस आर। तो ये भी स्क्रीन फ्रीज हो गई। अच्छा एक सेकंड। यस सर। तो यहां से तुम्हें r का वैल्यू 30 सेंटीमीटर मिलेगा। बताओ पहला स्टेप, ठीक है। अब एक तरह से क्या है कि इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस है जो ग्लास का है, और एक इसमें कॉनकेव लेंस है, और ये कॉनकेव लेंस वाटर का है, ऐसे मान सकते हैं, बोल सकते हैं ना इसको। तो अगर ये कॉनकेव लेंस मेड ऑफ वाटर है, रेडियस इसका भी 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर होगा, तो इसका फोकल लेंथ निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1/f वाटर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ध्यान से देखो 1/r1, तो इसमें माइनस 30 पड़ेगा और ये प्लस 30 पड़ेगा। तो यहां से देखो 1/f वाटर कितना आता है निकल के, ये आएगा 1/3, तो ये माइनस 1/45 आता है। आ रहा है, यानी वाटर लेंस का फोकल लेंथ माइनस 45 हो गया। सर ये लाइट रे तो इसमें ग्लास के थ्रू जा रही है ना, तो हम 1 कैसे ले लेंगे? 1 कैसे ले लेंगे? 1 ऐसे, 1 ऐसे ले लेंगे, क्योंकि मैंने एक बात बोली थी ना कि अगर हम ये जो ऊपर फार्मूला बनाया हुआ है ना 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, वो तभी वैलिड है जब बीच में एयर, इंडिविजुअल एयर में, इंडिविजुअली हर एक की फोकल लेंथ एयर में निकालेंगे और फिर ऐड करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है ना, तो यहां से 1/f इक्विवेलेंट चाहिए, तो 1/f1 + 1/f2, f1 की जगह देखो दोनों का कंबाइन तो 30 रहेगा अभी भी, और माइनस 1/45, तो यहां से देखो कितना मिलेगा f इक्विवेलेंट, f इक्विवेलेंट कितना मिलता है यहां से, 90 सेंटीमीटर। सर सर हाँ बोलो।
सर फोकल लेंथ 30 दी थी ना सर, सर रेडियस तो 60 हो जाएगी ना, रेडियस 60 नहीं होगी 30 आएगी, देखो तो ध्यान से, कैलकुलेट तो किया मैंने तुम्हारे सामने, ये अरे हाँ यस सर, F equivalent 90 आ रहा है, बताओ सभी का, यस सर, सर वो जो फॉर्मूला लिखा है बस वो एयर के लिए वैलिड है, मतलब वो वैलिड तब है जब हर एक लेंस एयर में रखा हो, दोनों के बीच में भी एयर हो। अब कई बार क्या होता है कि तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर यहाँ पे तो एयर है नहीं बीच में, तो अगर एयर नहीं है तो हम एयर का एक लेयर एज्यूम कर सकते हैं, एयर का कहीं भी थिन लेयर एज्यूम करने से ऑप्टिक्स में कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात पहले भी एक बार आ चुकी है, मैंने बोली थी याद है, अगर हम एयर का एक थिन लेयर कहीं एज्यूम कर रहे हैं प्रोवाइडेड कि दोनों तरफ का आर सेम है, तो उस एयर का थिन लेयर जो है वो सिंपल एयर प्लेट की तरह काम करेगा, और एयर प्लेट की वजह से कोई शिफ्टिंग या कोई फोकल लेंथ नहीं अपीयर होगी सर। पर हम लोग तो वो भी कर सकते हैं ना कि न्यू जो हमारा है उसको वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल ले, किसको वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, मतलब जो न्यू ग्लास है वो एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है हमें, तो हम लोग न्यू ग्लास को विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी निकाल सकते हैं ऐसे तो। बट ये बताओ कि क्या लेंस के बाहर वाटर है क्या? हाँ अच्छा वो। नो सर। है नहीं उधर, इधर लेफ्ट और राइट में तो है नहीं। हाँ ठीक है सर समझ गया। नेक्स्ट देखना। अब कॉनकेवो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड मेड ऑफ ग्लास म्यू इक्वल टू 1.5 is kept horizontal with concave surface upwards. Now water is filled on concave surface and convex surface is silvered, then find equivalent focal length of this combination. Concavo convex lens having radii of curvatures 20 centimeter and 30 centimeter are and made of glass is kept horizontal with concave surface upward. Now water is filled on concave surface and convex surface is silvered. Then find equivalent focal length of this combination. देखो इसमें क्या कह रहा है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब कि लेंस कुछ इस तरह से रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है, इसके प्लेन सरफेस पे हमने वाटर फिल कर दिया है, तो ध्यान से देखो क्या इसमें वाटर का भी एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया, और इसका जो कॉन्वेक्स सरफेस है उस पर सिल्वरिंग कर दी है, यानी एक मिरर और आ गया है, कौन सा मिरर आया, कॉनकेव मिरर। अब देखो वन बाई वन, सबसे पहले तो रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान से देखो तो ये वाला रेडियस इसमें 30 सेंटीमीटर बनेगा,
और इधर वाला रेडियस इसमें 20 सेंटीमीटर बनेगा। पहले तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बताओ। जो कॉनकेव साइड वाला रेडियस है वो 30 बनेगा और कॉन्वेक्स साइड वाला 20 बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक एक करके करते जाओ, जैसे फॉर फॉर वाटर लेंस, वाटर लेंस के लिए 1/f1 इज इक्वल टू, ध्यान रखना एयर के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, तो म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस माइनस प्लस 1/r2। तो यहां से देखो तुम्हें f1 की वैल्यू प्लस 90 सेंटीमीटर मिल जाएगी, f1 की वैल्यू प्लस 90 सेंटीमीटर। दूसरा फॉर अगर हम ग्लास लेंस देखें, तो ग्लास लेंस के लिए 1/f2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 इंटू, क्या लिखेंगे तो इसमें देखो ध्यान से माइनस 1/30 एंड प्लस 1/20 हो जाएगा। तो यहां से देखो f2 क्या आएगा, f2 यहां 120, हां 1/2 1/60 120 आ रहा है, आ रहा है। तो अब yes, चाहो लेंथ कंबाइन कर लो, तो इफेक्टिवली लेंस की फोकल लेंथ क्या आएगी 1/90 प्लस 1/120, तो देख लो ये कितना बनेगा 360/7, 7/360। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब आ जाओ मिरर के लिए, तो मिरर कौन सा है, ये कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम -r/2 लिखेंगे, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। अब यूज कर लेते हैं फॉर्मूला कौन सा, 1/f equivalent इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl, रखो इसमें, ध्यान रखना विद साइन रखेंगे सब कुछ। तो 1/fm का मतलब होगा 1/-10 एंड 2/fl का मतलब होगा 7/360। तो यहां से देखो f इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, देखो तो 1/10 है प्लस 14/360 है, तो ये देख लो यहां से -36/5 आता है। माइनस आने का मतलब है कि ये कौन से मिरर की तरह काम कर रहा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, क्यों भाई, तो ये कॉम्बिनेशन कॉनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है। कई बार ऐसे क्वेश्चन होगा कि इसके एक्सिस पे कहां पे ऑब्जेक्ट रखा जाए जिससे ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड हो जाए, तो आंसर क्या बन जाएगा, कई बार ये पूछेगा कि इसके एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें यानी 2f पे, तो f कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे 36/5, बताओ कहां डाउट है। देखो क्या कहां डाउट है बताओ। सर एक बार सर ये बता दीजिए कि 2/fl क्यों होता है, 2/fl देखो होता क्यों है, ये तो तभी समझ में आएगा जब हम प्रूफ करेंगे उस फॉर्मूले को, ठीक है ना। Yes. वो तो मैंने याद करने के लिए तुम्हें बता दिया कि 2/fl ऐसे है कि लेंस की काउंटिंग दो बार हो रही है, लेंस दो बार काउंट हो रहा है, जब लाइट रे इधर से जा रही है तो लेंस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है और फिर लेंस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो लेंस की काउंटिंग दो बार है, इस हिसाब से वो 2 बन जाता है। प्रूफ करते हैं तो ये स्टेप में आता है। थैंक यू सर। ऑप्टिक्स में कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करना है तो तरीका सेम ही रहेगा, चाहो तो कर भी सकते हो कि पहले ऑब्जेक्ट ओ ले लो, ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट करो, पहले रिफ्लेक्शन से I1 बनाओ, फिर I1 दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, दूसरा रिफ्लेक्शन कराओ उससे I2 बनाओ, फिर तीसरा रिफ्लेक्शन कराओ उससे I बनाओ, फिर तीनों इक्वेशन एड सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट मिल जाता है। हर जगह एक ही तरीका है, पर जरूरत नहीं है, प्रूफ जो बोर्ड में है वो मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर है, नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं।
प्लेनो, और प्लेनो कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इन एयर इट इज मेड ऑफ ग्लास म्यू इक्वल टू 1.5 फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम व्हेन ए पार्ट में इट्स प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड एंड बी पार्ट में इट्स कर्व्ड सरफेस इज सिल्वर्ड। देखो ये वाला कर लेना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। प्लेनो कॉनकेव लेंस ये है और इसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर गिवन है। फॉर्मूले में यूज करेंगे तो -40 लिखेंगे, कॉनकेव है क्योंकि, एंड मेड ऑफ ग्लास तो इधर का रेडियस निकाला ये भी 40 आ जाएगा। क्यों 40 आ रहा है, कुछ और आ रहा है, रुको निकालना पड़ेगा पहले। निकाल 40 आ रहा है, 40 आ रहा है, 40 नहीं आ रहा होगा भाई, 20 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है ना, आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आएगी। अब इसमें कह रहा है ए पार्ट में अगर हम इस पर प्लेन सरफेस भी सिल्वरिंग कर दें तो देखो ध्यान से, लेंस बनेगा फोकल लेंथ -40 सेंटीमीटर और मिरर, अगर प्लेन सरफेस को सिल्वरिंग कर रहे हो तो मिरर कौन सा बनेगा, वो प्लेन मिरर बनेगा और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी। बोलो 1/f equivalent = 1/fm - 2/fl, तो ये हो जाएगा 1/∞ - 2/fl, fl की वैल्यू क्या रखेंगे, fl की वैल्यू रखेंगे -40। बोलो तो यहाँ से f इक्विवेलेंट कितना निकल आएगा, f इक्विवेलेंट आ रहा है +20 आ रहा है, निकाल लिया था ये। यस सर। ठीक है, b पार्ट में क्या होगा, b पार्ट में fl तो इतना ही रहेगा, fl की वैल्यू -40 आएगी, लेकिन जब हम इसका कर्व्ड सरफेस सिल्वरिंग करेंगे तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, बनेगा ना, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ +r/2 हो जाएगी, +r/2 का मतलब है कि +10 सेंटीमीटर। रखो फिर से इसमें 1/f equivalent = 1/fm - 2/fl, fl की जगह -40, तो इस बार f equivalent कितना आता है 20/3। यस सर 20/3, ठीक है ना। यस सर, कर लिया था क्वेश्चन ये। यस सर, यस सर, यस सर। आप बोलो सर, आपने इसमें प्लेनो कॉनकेव दिया तो हमने गलती से प्लेनो कॉन्वेक्स के नहीं निकाला, तो सर दोनों आंसर्स मतलब नेगेटिव साइन के साथ आए, मतलब मल्टीप्लाई होके अगर सेम आ जाता तब तुम बोलते ना कि सर सेम आ गया मेरा तो आंसर। नहीं नहीं सर, इसका मतलब ये होता है कि मतलब अगर लेंसेस चेंज करते हैं तो किसी भी कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो है ही है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या फर्क है, सेम वही कॉन्वेक्स ले रहे हो, सेम वही कॉनकेव ले रहे हो, तो फोकल लेंथ का ही तो फर्क आएगा, माइनस का, सरफेस सेम ले रहे हो अगर। यस अच्छा देखो यहाँ तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या कर लिया है,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेंस का कटिंग हो गया है, लेंस के कॉम्बिनेशन हो गए, लेंस के सरफेस को अगर किसी भी सरफेस को सिल्वरिंग कर दें, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन बना दें, तो इन सभी केस में हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना सिल्वरिंग वाले केसेस में जब हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं, ये जो मैंने निकाली है अभी हम लोगों ने, ये मिरर की फोकल लेंथ आई है, पॉजिटिव निकल के आई, मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, और नेगेटिव निकल के आती तो वो कॉनकेव मिरर की तरह। तो ध्यान रखना जब हम इसको मिरर बना लेंगे और जब ऑब्जेक्ट इमेज सॉल्व करेंगे तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर लेंस का काम खत्म हो जाएगा। लेंस का काम तभी तक है जब तक लेंस है, लेकिन अगर सिल्वरिंग में कॉम्बिनेशन बना लिया है, इक्विवेलेंट निकाल लिया है, तो ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिरर की निकल के आई है, तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, फिर उसमें लेंस का काम खत्म। अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन में। और लेंस फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था 1/f = 1/v + 1/u। एक फॉर्मूला और इसमें छोटा सा डिराइव कर लेते हैं, फिर इमेज ऑब्जेक्ट में आते हैं, और वो है लैटरल एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लैटरल एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, स्मॉल m। तो अब देखो लैटरल ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की जरूरत हमको तभी पड़ेगी जब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहे होंगे। तो सपोज ये हमने कोई भी एक लेंस ले लिया है, कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, और सपोज ये इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ओ ओ डैश। अब हमको मालूम है कि अगर हम एक लाइट रे ऐसी लें जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो, तो क्या ये लाइट रे अनडेविएटेड जाएगी? तो अनडेविएटेड जाएगी, तो सपोज इसने इस पॉइंट पे इमेज बना लिया है, ध्यान से देखो, तो ये इसका इमेज हो गया आई आई डैश। अब ये पी से पास होने वाली रे अनडेविएटेड जा रही है, इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे, तो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश इज इक्वल टू आई पी अपॉन ओ पी। साइन कन्वेंशन अगर यूज करें तो यू की जगह आएगा माइनस ओ पी, वी की जगह आएगा प्लस आई पी। बताओगे एच ओ और एच आई क्या होंगे? पहले वाले साइन कन्वेंशन ही है। एच ओ की जगह क्या आएगा? एच ओ की जगह आएगा प्लस ओ ओ डैश, और एच आई की जगह आएगा माइनस आई आई डैश। बताओ, और ये चारों वैल्यूज उठा के ऊपर रखोगे तो मैग्निफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं एच आई अपॉन एच ओ, तो ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ये आ जाएगा v अपॉन u, और v अपॉन u की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा f अपॉन f प्लस u। देख लो एक बार सारे दो ही फॉर्मूले जो आए हैं, फिर हमें याद रखना है इन्हीं को। अगर हम u और f में निकालेंगे तो फॉर्मूला f अपॉन f प्लस u बन जाएगा। ठीक है, बताओ, बाकी सारी चीजें वैसी हैं कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो मतलब कि इरेक्ट इमेज है, नेगेटिव है मतलब इन्वर्टेड इमेज है, ग्रेटर देन वन है एनलार्ज इमेज है, लेस देन वन होगा डिमिनिश्ड इमेज होगी। हाँ, यहाँ पे यू और वी की कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, मिरर में और रिफ्रैक्शन में वी अलग होता है, यू नेगेटिव तो हमेशा रियल ऑब्जेक्ट है और यू पॉजिटिव हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लेकिन वी की वैल्यू रिफ्रैक्शन में अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब होता है कि ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, तो ऑन दी अदर साइड ऑफ लेंस का मतलब होगा कि वो एक रियल इमेज बन रही है, ठीक है ना, और ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी तो फिर वो वर्चुअल इमेज होगी। तो रिफ्रैक्शन और मिरर में यहीं पे फर्क होता है, मिरर में जो ऑन द सेम साइड बनती है तो रियल होती है और बिहाइंड दी मिरर बनती है तो वर्चुअल होती है। तो वी की वैल्यू में बस फर्क है, यहाँ पे वी नेगेटिव वर्चुअल इमेज होगा और वी पॉजिटिव रियल इमेज होगा। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट नहीं पड़ेगा, डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज। ठीक है, और इसमें सबसे पहला केस हम लोग लेके चलते हैं, जैसे मिरर के लिए भी किया था तो यहाँ पे भी उसी तरह से चलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट विथ कॉन्वेक्स लेंस।
रियल ऑब्जेक्ट विथ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, तो इसमें बताओगे अपने आप कर सकते हो. जैसे ए पार्ट में ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बनाओ, इसके लिए क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी होंगी? सर पैरेलल होंगी. हाँ, इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होंगी. तो उसमें से क्या करो कि एक रे ले लो जो P से पास हो रही हो और एक रे पैरेलल हो. अब जो P से पास हो रही होगी वो तो अनडेविएटेड निकल जाएगी, तो बताओगे जो दूसरी वाली रे है और वो जो पहली वाली रे है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी? तो ये दोनों फोकल प्लेन पे. फोकल प्लेन, फोकस नहीं बोलेंगे. समझ में आया ना क्यों नहीं बोलेंगे फोकस? ये मीट करेंगे एट फोकल प्लेन. ठीक है, ये इमेज बनेगा. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी इमेज में, बनाते जाओ. तो पहले तो ये कि एट फोकल प्लेन, ठीक है. दूसरा बोलेंगे रियल है. तीसरा बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड है. हाईली डिमिनिश्ड कैसे पता चलेगा? हाईली डिमिनिश्ड ऐसे पता चलेगा क्योंकि यू इन्फिनिटी है, तो यू इन्फिनिटी का मतलब है कि एम टेंडिंग टू जीरो है और इन्वर्टेड होगा. इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर है तो इमेज इसका नीचे बन रहा है. अच्छा, यहाँ पे भी हम साइज ऑफ इमेज याद है, वहां पर निकाला था साइज ऑफ इमेज करके, तो यहां भी निकाल सकते हैं साइज ऑफ इमेज पे. तो अगर हम साइज के बारे में डिस्कशन करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज ये तुमने इमेज बनाया होगा, जैसे किसी लैब में जो लेंस रहता है मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा ना, तो तुमने उससे सन का इमेज बनाया होगा, पेपर या मैच स्टिक जलाई होगी कभी ना कभी, तो क्यों भाई? तो उसमें क्या है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, तो वो जो इमेज बन रहा होता है ना जिसको हम पेपर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो उस सन का रियल इमेज होता है. रियल इमेज होता है तभी हम उसको स्क्रीन के ऊपर फॉर्म कर लेते हैं. अब होता क्या है कि उस छोटे से रियल इमेज में पूरे लेंस में पड़ने वाली एनर्जी वो एक छोटे से पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है, तो इसलिए वहां पे हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है तभी बर्निंग हो जाती है. ठीक है ना, नॉर्मली जो सन रेज पड़ रही है उनकी इंटेंसिटी कम होगी. इंटेंसिटी कम इसलिए होगी क्योंकि वो एरिया लार्ज है. लेकिन अगर हम पूरे के पूरे लेंस की जो एनर्जी है वो एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर दें तो वहां पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. तो जैसे यहाँ पे ये सन या मून जो भी है ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज हम लोग बना रहे हैं, तो इस ए पॉइंट का इमेज ये बनेगा ए डैश. देखो ध्यान से. और अगर हमें रिलेशन निकालना है तो हमें अगर इसका रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है और इसका यहाँ से डिस्टेंस डी दिया हुआ है, तो उसी तरह से इस ए डैश पे इमेज ये वाला बन जाएगा, तो ये इसका इमेज बन जाएगा. और ये डिस्टेंस हमें मालूम है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस एफ के बराबर होगा और इसका रेडियस हमको निकालना है सपोज ये आर के बराबर है. तो ये दोनों एंगल सेम है, क्या रिलेशन बनाओगे बताओ? ये दोनों एंगल सेम है तो क्या लिखोगे? तो थीटा इक्वल टू स्मॉल आर स्मॉल अपॉन स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल डी. फॉर्मूला यही आया था मिरर में भी, याद हो तो. याद है मिरर में फॉर्मूला यही आया था साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में. लेकिन मिरर में क्या था कि मिरर में उसी सामने ही इमेज बनेगी, लेकिन ये लेंस है तो इसमें अदर साइड बनेगी. ठीक है, और देखो बी पॉइंट में बनाओ इसमें अपने आप ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f. देखो यहाँ भी तुम्हारे सारे फिगर एकदम करेक्ट बनेंगे. मैंने कहा ना कुछ बातों का बस ध्यान रखना है. क्या क्या? जैसे कि सबसे पहले पोल बना लो. पोल मतलब ऑप्टिकल सेंटर. इसके बाद इसमें तुम्हें f और 2f बनाना है. तो बस ध्यान ये रखना है कि जो f बना रहे हो और जो 2f बना रहे हो वो प्रोपोर्शनेटली सेम होने चाहिए. यानी कि एक्चुअली तुम्हें इस बार यहाँ पे चार पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे. f 2f इधर भी होंगे, f 2f उधर भी होंगे, और ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f दिया हुआ है. तो बियॉन्ड 2f मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया है. तो क्या करोगे? पहली लाइट रे कैसे इंसिडेंट कराओगे? पहली लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगी? ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी. देखो, और दूसरी लाइट रे इंसिडेंट कराओ जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही हो. देखो ध्यान से, तो अगर तुमने सब लाइनें सही से ड्रॉ की हैं, प्रोपोर्शनेटली सही लिया है, तो अपने आप सही जगह इंटरसेक्ट हो जाएगा जहां उसको होना चाहिए. देखो, तो ये इसका इमेज आई आ जाएगा. तो कैसा इमेज आया है? प्रॉपर्टीज लिख लो इसकी. प्रॉपर्टीज लिख लो इसकी, क्या क्या बनेंगी. इसके बाद इसी तरह से हमें सारे केस याद रखने हैं. तो तुम्हें तो रे डायग्राम ड्रॉ करने ही है सारे. मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं. ड्रॉ करते जाओ. ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f हो गया. इसके बाद ऑब्जेक्ट एट 2f, देन ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, फिर ऑब्जेक्ट एट f, देन ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड p, and then object at P. करो ड्रॉ, बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज है. B वाले में लिख लिया ना प्रॉपर्टीज कहाँ बन रही है. तो इमेज बन रही है, इमेज बन रही है बिटवीन F एंड 2F. ठीक है, इमेज बन रही है बिटवीन F एंड 2F. देन रियल है, इन्वर्टेड है, एंड डिमिनिश्ड है. निकाला है इसमें, बताओ. ऑब्जेक्ट एट 2f के लिए, फॉर्म डेट 2f रियल इन्वर्टेड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट. हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मिरर में एट c बोलते थे. क्यों, याद है ना. इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन f एंड 2f है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है? तो हम सिर्फ दो बातें बोलेंगे. एक तो इन्फिनिटी बोलेंगे हाईली मैग्निफाइड. रियल वर्चुअल इन्वर्टेड इरेक्ट की बात नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट एट एफ में, क्योंकि पैरेलल रेज हैं. अब पैरेलल रेज में तुम क्या बोल सकते हो? ये भी बोल सकते हो कि इन्फिनिट प्लस इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, या ये भी बोल सकते हो कि पीछे ले जाओ तो माइनस इन्फिनिटी पे मिलेंगी. तो रियल वर्चुअल डिफाइन नहीं करेंगे हम, सिर्फ ये बोलेंगे कि एट इन्फिनिटी होगा और हाईली मैग्निफाइड होगा. ओके, देन एफ में बताओ क्या आया? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी,
ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टी, इस केस में जो इमेज वर्चुअल मैग्नीफाइड ऑन द सेम साइड डायरेक्ट, वर्चुअल आएगा, मैग्नीफाइड आएगा, इरेक्ट आएगा, और इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि बिहाइंड ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्यों? यस सर, बिहाइंड ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट के पीछे ही रहेगा वो, और अगर एट पी आ जाएगा तो एट पी में बोलेंगे सेम साइज, सेम साइज होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और एट पी बनेगा। देखो क्लियर है, देखो कॉन्वेक्स में कई सारे केसेस आएंगे रियल ऑब्जेक्ट विद कॉन्वेक्स लेंसेज में। सेकंड पॉइंट एक और करते हैं इसमें, सेकंड पॉइंट एक और करते हैं और वो है रियल ऑब्जेक्ट विथ कॉनकेव लेंस, रियल ऑब्जेक्ट विथ कॉनकेव लेंस। तो देखो इसमें मल्टीपल केसेस नहीं मिलेंगे, इसमें कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक ही केस आएगा यहां भी। ठीक है, सपोज इधर एफ ले लेते हैं, इधर एफ ले लेते हैं, और ऑब्जेक्ट अगर सामने है तो एक लाइट रे इधर पैरेलल डालेंगे तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से डाइवर्ज होते हुए अपीयर होगी, और दूसरी लाइट रे हम पी पे इंसिडेंट करेंगे तो ये लाइट रे अनडेविएटेड जाएगी, तो इन दोनों की वजह से जो इमेज फॉर्म होगा वो ये इमेज हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में कैसा इमेज बन रहा है, तो इस केस में इमेज बन रहा है हमेशा बिटवीन एफ एंड पी रहेगा, देखो, और वर्चुअल है, ठीक है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें थ्योरी में इतना ही रखते हैं, अभी क्वेश्चंस इसमें और करेंगे फिर, ठीक है ना।